Hello guys, so today's topic is for statement in C programming. So now we start C programming, and in C programming we are discussing on the topic for statement. Okay, so jaisa aap log jante ho for statement kahan use kiya jata hai, hum log ise loop ke liye use karte hain. So for statement, this is an entry controlled looping statement. क्योंकि for statement क्या है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, loop statement को हम लोग use करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, starting में ही loop statement use किए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, entry controlled looping statement कहते हैं. क्योंकि same while भी इसी तरह से use किया था, लेकिन जो do while है उसमें पहले स्टेटमेंट हमारा चल जाता है, उसके बाद हम वापस से उसमें कंडीशन को चेक करते हैं. सो नेक्स्ट जो हमारा सिंटैक्स है, सो किस तरह से हमारा सिंटैक्स डिफाइन होता है, हम लोग देखेंगे सिंटैक्स ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो क्या होता है हमारे पास सिंटैक्स में, फर्स्टली फॉर के अंदर हम लोग तीन थिंग्स को यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, एंड सेकेंड वन इज, हम लोग दो तरह से एक्चुअल में इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड वन वी आर यूजिंग इन एक्सप्रेशन इन विच वी आर यूज conditions, जैसे हम लोग कोई भी कंडीशन लगानी है. एंड थर्ड वन इज अपडेशन. अपडेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. तो फॉर लूप को लिखने के लिए हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स का होना सबसे पहले कंपल्सरी है. क्या होगा, फॉर के अंदर इनिशियलाइजेशन सेमी कॉलन के साथ एक्सप्रेशन, एंड सेमी कॉलन के साथ अपडेशन. ओके, देन उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो भी है हमारे पास, एंड देन कर्ली ब्रैकेट के बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट. तो जो फर्स्ट जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है, तो जो हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं फॉर लूप के अंदर वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सेट ऑफ स्टेटमेंट बॉडी ऑफ फॉर स्टेटमेंट. ठीक है, या फॉर लूपिंग, लूप कहते हैं या जो भी कहते हैं हम लोग. एंड जो आफ्टर फॉर लूप यूज किया जा रहा है सेट ऑफ स्टेटमेंट, से हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग यूज करेंगे एक तरह से, मतलब एक कमेंट के रूप में हम लोग इसे लिख रहे हैं, जो जो हम लोग सामने देख रहे हैं कमेंट के रूप में देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट आफ्टर फॉर लूप हो जाएगा, जो हमारा लूप खत्म हो जाने के बाद का स्टेटमेंट है. ठीक है, तो जो भी एक सिंटेक्स है फॉर लूप का वो हमारा सिंटेक्स यही रहता है. या फिर इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, अभी मैंने बताया एक्सप्रेशन क्या है, कंडीशन है, अपडेट क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है. तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं दूसरे तरीके से, फॉर लूप, फॉर एक फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर होता है. तो फर्स्ट थिंग इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम लोग इनिशियल करेंगे किसी भी वेरिएबल को इनिशियल करेंगे कि वेरिएबल हमारा यहां से स्टार्ट होगा. एंड देन सेकंड वन इज कंडीशन, जहां चेकिंग चलेगी कि कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. इफ कंडीशन इज ट्रू देन गो टू द बॉडी ऑफ द फॉर लूप, अदरवाइज आउटसाइड ऑफ द लूप. एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जहां पर वैल्यू हमारी प्लस या माइनस जो भी हमें करना है वो हम लोग यूज करेंगे. एंड देन उसके अंदर फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट, एंड द लास्ट वन इज स्टेटमेंट आफ्टर फॉर लूप, जो हम लोग स्टेटमेंट को यूज करेंगे लूप के बाहर. ओके, तो ये हमारा एक सिंटेक्स है जिसे हम लोग प्रॉपरली यूज करते हैं. अब ये सिंटेक्स को क्या, आप दूसरी चीज हमें क्या जानना चाहिए हमें, फ्लो चार्ट. तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसे सॉल्व करने का. क्लियर, तो फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो अब हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे. तो ये फॉर लूप को हम लोग यूज करेंगे, इसमें तीन चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन और अपडेट, या इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. तो फर्स्ट वन इज जो इनिशियलाइजेशन है वो सबसे पहले यूज में लिया जाता है. ठीक है, तो हमने उसे इनिशियलाइजेशन को यूज में ले लिया. देन उसके बाद अब वो कंडीशन जो हमें यहां पर चेक करनी है. क्लियर, फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड वन इज कंडीशन. तो कंडीशन हम यहां यूज करेंगे. अब कंडीशन में दो चीजें होंगी, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. जब कंडीशन ट्रू होगी तभी हम इस लूप में अंदर मूव कर पाएंगे. सो कंडीशन इज ट्रू, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इट मींस बॉडी के अंदर जाएंगे, तो बॉडी में क्या है, स्टेटमेंट्स. ठीक है, यहां पे हमें दिख रहा है बॉडी में स्टेटमेंट,
ठीक है, अगर उसके बाद स्टेटमेंट के बाद फिर हम कहां जाएंगे, वापस से हम इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में जाएंगे, क्योंकि लूप जो है हमारा प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ठीक है, सेकंड वन इज कंडीशन, कंडीशन के ट्रू होते ही हम जाएंगे उसके अंदर स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट के बाद हम जाएंगे ऊपर वापस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। अगर यहां पर जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट, तो उसमें से कोई भी एक चीज को यूज करने के बाद फिर वापस लूप जाएगा कहां, कंडीशन पे। अब इनिशियलाइजेशन का कोई यूज नहीं है, इनिशियलाइजेशन केवल और केवल पहली बार के लिए यूज होता है, उसके बाद फिर यहां इफ कंडीशन इज ट्रू देन अंदर, अदरवाइज फॉल्स है तो सीधे कहां जाएंगे, इस लूप से बाहर जो आउटर में है स्टेटमेंट आफ्टर फॉर लूप। क्लियर? तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है जिसे हम लोग इस तरह से यहां यूज कर रहे हैं। देखिए फर्स्टली इनिशियलाइज, जो भी हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेकंड वन इज कंडीशन, जो कंडीशन हमने यूज करी उसके अंदर बॉडी के अंदर गए स्टेटमेंट, उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, फिर वापस ऊपर आए, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसी प्रोसेस को फॉलो किया और इस तरह से किया, अदरवाइज फॉल्स में हम लोग यहां पर वापस बाहर आ गए। ठीक है, क्लियर? तो क्या हमें एक बार और फिर से इस प्रोसेस को समझना चाहिए, है ना? तो पूरे प्रोसेस को एक बार समझ लें जिससे कि हम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमारा ये प्रोसेस चलेगा कैसे। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं यहां पर, जिससे हमें क्लियरली डिफाइन हो जाए कि हमें इस फॉर लूप को या फॉर स्टेटमेंट को यूज किस तरीके से करना है। क्लियर? तो देखिए एक बार फ्लोचार्ट देख लो, पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया जिसमें इनिशियल की वैल्यू को, देन कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू तो ट्रू के बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में हम जो भी लिखना है वो सब कुछ लिखेंगे, उसके बाद यहां से मूव करेंगे, मूव कहां करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, देन वापस इफ कंडीशन इज ट्रू तो अंदर, फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो ये लूप चलता रहेगा। अगर कंडीशन जब तक हमारी ट्रू है तब तक ये प्रोसेस पूरी चलती रहेगी, और जैसे ही फॉल्स देन हम लोग आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप मूव कर जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। नाउ वी टेक एन एग्जांपल, तो हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं फॉर लूप को समझने के लिए। तो हमारा यहाँ जो प्रोग्राम है वो हमारे पास एक इंटीजर रहेगा ए, जिसकी वैल्यू हमारे पास इनिशियलाइज करेंगे हम 1 से और 5 तक। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा एक्चुअली प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, कहां से कहां मूव कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, जिसके बाद वो लौट के फिर कहां जाता है। तो हम इसे प्रोग्राम को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम को यूज करें, इस एग्जांपल को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो उस स्टार्ट में हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे हम इजीली देख सकेंगे हमारा प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। फॉर लूप को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसे आप इसी तरीके से समझेंगे तो हमेशा फॉर लूप प्रोग्राम सही बना पाएंगे। क्लियर? तो लेट्स मूव, तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम लोग इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ लें। तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हमने किया, तो आप देन देखिए अब चेक करिए, मेन को हमने पहले फॉलो किया, देन मेन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आई वो वेरिएबल और देन उसका क्लियर स्कैन। अब हम कहां पहुंचे, फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप में हमने ए को पहले इनिशियलाइज किया 1, फिर क्या होता है फ्लो चार्ट में 1 को चेक करेंगे, ए को चेक करेंगे लेस देन इक्वल्स टू 5 और नॉट, इफ कंडीशन इज ट्रू तो हम कहां पहुंच गए अंदर, क्योंकि 1 हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है। तो यहां क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए इज 1, केवल 1 प्रिंट होगा यहां पर क्योंकि अभी पहली टाइम चला। देखिए अब यहां से वापस आएंगे तो वापस होते ही कहां पहुंचेंगे हम लोग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। तो अब 1 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 + 1 2, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट है। तो 2 को फिर चेक करेंगे लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, हम अंदर आ गए, तो वैल्यू कितनी होगी 2, 2 को हमने प्रिंट किया, देन वापस फिर वही इंक्रीमेंट 3 हुआ, कंडीशन चेक करो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, अंदर आए, अंदर हमने प्रिंट किया, यहां 3 हो गया, हमने इन पे फिर मूव कर देते हैं तो 3 की वैल्यू हो गई 4, अब 4 को फिर चेक किया, कंडीशन ट्रू, आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू 4, राइट, देन फिर वापस मूव करेंगे तो क्या करेंगे अब, इंक्रीमेंट 4 + 1 5, और 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इट मींस कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ही वैल्यू क्या हो गई 5, तो हमारे पास यहां क्या प्रिंट करेगा 5, देन वापस तो इंक्रीज, इंक्रीज करेंगे तो 6, और 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स, इट मींस आउटसाइड द ऑफ द फॉर लूप। तो फॉर लूप में बाहर पहुंचे तो बाहर क्या मिला हमें, बाहर मिला उसकी वैल्यू जो हो गई अब 6, तो हम क्या, हम यहां क्या प्रिंट करेंगे, एंड फॉर लूप, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज 6, क्योंकि ये हमें अंदर से फॉल्स कंडीशन के बाद मिली थी। क्लियर? तो ये हमारा लूप है जिसमें हम इस तरह से फॉलो करते हैं और यही कंडीशन को हम लोग यूज में लेते हैं।
तो जब भी हमें फॉर लूप को चलाते हैं तो पहले इनिशियलाइजेशन, केवल एक बार इनिशियलाइजेशन चेक होता है जब हम लोग पहली बार यूज करते हैं, देन उसके बाद ओके कंडीशन चेक, कंडीशन के बाद अंदर मूव करते हैं, मूव करने के बाद फिर वही चीज स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर वापस कंडीशन चेक, इफ कंडीशन इज ट्रू तो अंदर, अदरवाइज आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलता है और यही फॉर लूप को समझने का तरीका है। थैंक यू वेरी मच।